हर सफल व्यक्ति के पीछे एक बहुत बड़ी मेहनत काम करती है दोस्तों। आज हम जो भी सफल व्यक्ति अपने आसपास देख रहे हैं, उन्होंने एक गहरी लगन, कभी हार ना मानने वाली मानसिकता, इनके साथ काम किया है, इनके साथ बहुत मेहनत की है, तब वो आज इस मुकाम पर पहुंचा है। इन लोगों के जीवन शैली को देख के हमें निश्चित तौर पर प्रेरणा मिलती है। मैं मनमोहन शर्मा एवरी नीड से आप लोगों के लिए एक सीरीज ला रहा हूं, जिसमें मैं अलग अलग वीडियोस में महानतम दुनिया के जो महानतम लोग हैं उनकी जीवनी, उनकी जीवन शैली और उनसे कुछ सीख सकने लायक जो बातें होंगी वो मैं अपनी वीडियोस में कवर करूंगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अंग्रेजी में एक कहावत है, सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। इसका मतलब अगर मैं बताऊं तो ये होता है कि हम अपने अपमान का बदला अगर लेना चाहते हैं तो उसका सबसे सुंदर और सबसे अच्छा तरीका है खुद को सफल बनाकर। इस कहावत को चरितार्थ किया है टाटा समूह के प्रमुख श्री रतन नवल टाटा जी ने। दोस्तों आज ही के दिन यानी 28 दिसंबर को 1937 में गुजरात के सूरत शहर में जन्मे रतन टाटा जी ने टाटा समूह को अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंचाया। इस दुनिया के अनेकों लोगों के जीवन को प्रेरित करने वाले श्री रतन टाटा जी के बारे में मैं आपको एक घटना सुनाने वाला हूँ, जिस घटना ने पर्सनली मुझे भी बहुत प्रेरित किया है। वैसे तो रतन टाटा जी के बारे में पूरी दुनिया जानती है, लेकिन कुछ एक बातें हैं जो मैं आपको बता दूँ। रतन टाटा जी को मानवता और समाज सेवा के लिए कार्य करना बहुत पसंद है। मानवता के लिए उनका जो प्रेम है उसका अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि उनकी जो संपत्ति है उसका करीब 65% वह आज भी मानवता के उद्धार के लिए खर्च करते हैं। टाटा समूह को अपने कार्यकाल में बहुत बुलंदियों तक पहुंचाने वाले रतन टाटा जी को वैसे तो समाज सेवा, मानवता और जन कल्याण के लिए देश और विदेशों में बहुत सारे पुरस्कारों से नवाजा गया है, लेकिन इन सम्मानों में गौर करने वाले सम्मान हैं भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए पद्म भूषण और पद्म विभूषण। दोस्तों ये जो पुरस्कार हैं यह सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। श्री रतन टाटा ने अपने कार्यकाल में न केवल टाटा समूह को ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि देश के साथ साथ विदेश में भी टाटा समूह को स्थापित किया। और आज की यदि स्थिति देखी जाए तो टाटा समूह के स्वामित्व में 110 से ज़्यादा कंपनियां कार्य करती हैं और यह टाटा समूह भारत के अलावा करीब 100 देशों में फैला हुआ है। दोस्तों आज श्री रतन टाटा जी के जन्मदिन के मौके पर हम उनके जीवन से जुड़ी एक सच्ची घटना को जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे उस घटना से हम क्या सीख सकते हैं। यदि हम कुछ अपने जीवन में ग्रहण कर सकते हैं तो यह हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। यह घटनाक्रम टाटा कैपिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रवीण कादले जी ने सुनाया था एक बार। यह बात उस समय की है जब टाटा समूह ने पहली बार पैसेंजर कार व्हीकल में अपना कदम रखा था। सन 1998 में टाटा ने अपनी पहली मोटर व्हीकल जो गाड़ी थी टाटा इंडिका उसको बाजार में उतारा था। पूरे देश और विदेश में ख्याति प्राप्त कर चुके टाटा समूह ने सोच समझ कर ही यह कदम रखा होगा और अपनी गाड़ी लॉन्च की होगी, लेकिन किन्हीं कारणों से बमुश्किल एक साल के अंदर ही टाटा इंडिका की स्थिति बहुत खराब हो गई और मार्केट में यह औंधे मुंह गिरी। और अपने इस निर्णय के लिए श्री रतन टाटा जी को अनेकों लोगों से आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा। कुछ लोगों ने सलाह दी कि यदि आपको यह नहीं चलाना है, अपनी इंडिका कार को आप बेच भी सकते हैं, अपनी इस कंपनी को बेच सकते हैं, तो यह जो आपको नुकसान उठाना पड़ रहा है यह नहीं उठाना पड़ेगा। अब चूंकि पहले से इंडिका के कारण काफ़ी नुकसान कंपनी को हो चुका था तो श्री टाटा जी ने भी यही स्वीकार किया कि हम इसको बेचते हैं। इस बीच अमेरिकी कंपनी फोर्ड ने, फोर्ड मोटर्स जो है उसने इंडिका के सेगमेंट को खरीदने की इच्छा जाहिर की। इस टाटा इंडिका के लॉन्च के करीब एक साल बाद 1999 में इसको बेचने का फैसला लिया गया और श्री रतन टाटा अपने कुछ कर्मचारियों के साथ 1999 में अमेरिका में फोर्ड मोटर्स के हेडक्वार्टर पहुंचे, जहां पे उनको फोर्ड मोटर्स के मालिक बिल फोर्ड और उनके कुछ अधिकारियों के साथ वार्तालाप करना था। यह मीटिंग करीब 3 घंटे चली, लेकिन इस मीटिंग में फोर्ड के अधिकारियों के द्वारा जिस तरह का बर्ताव किया गया वह रतन टाटा जी को बिल्कुल ही पसंद नहीं आया। यहाँ तक कि कंपनी के मालिक बिल फोर्ड ने तो यह तक कह दिया कि हम आपका यह कार सेगमेंट खरीद कर आप पर एक एहसान कर रहे हैं,
रतन टाटा जी को यह बात दिल तक चुभ गई और उन्होंने वापस भारत लौटने का निर्णय कर लिया। उसी रात अपने कर्मचारी अधिकारियों के साथ वह वापस भारत पहुंच गए। समय बदलता गया दोस्तों, और अब समय आ गया 2008 का। यह जो समय निकला था, इस बीच में टाटा समूह ने अपनी शुरुआती गलतियों से सीखते हुए इंडिका सेगमेंट को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। शुरुआती धक्के खाने के बाद वह सर्वाइव करने लगी और भारत में एक अच्छा मार्केट बना चुकी थी कंपनी। और दूसरी ओर अमेरिका में फोर्ड मोटर्स की स्थिति गिरती जा रही थी, उनकी लग्जरी कार ब्रांड्स औंधे मुंह मार्केट में गिर रहे थे। अब इस समय श्री रतन टाटा जी ने प्रस्ताव भेजा फोर्ड मोटर्स को कि हम आपकी जो लग्जरी ब्रांड्स हैं लैंड रोवर और जगुआर, इनको हम खरीदना चाहते हैं। क्योंकि फोर्ड मोटर्स वैसे ही बहुत ज़्यादा कंगाली में चल रही थी और स्थिति यह थी कि 2008 तक वह दिवालिया होने वाली थी। तो बिल फोर्ड ने यह जो प्रस्ताव था इसको सहर्ष से स्वीकार कर लिया और स्थिति यह बनी कि जैसे 1999 में यहाँ से रतन टाटा अपने कुछ अधिकारी कर्मचारियों के साथ अमेरिका पहुंचे थे फोर्ड मोटर्स के मुख्यालय, वैसे ही अब 2008 में अमेरिका से फोर्ड मोटर्स के प्रमुख बिल फोर्ड अपने कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मुंबई पहुंचे, जहां पर टाटा समूह का मुख्यालय स्थित था। फोर्ड मोटर्स के अधिकारियों और टाटा मोटर्स के अधिकारियों के बीच एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुकी फोर्ड मोटर्स की जो दो बड़े ब्रांड्स हैं लैंड रोवर और जगुआर, इनको अब टाटा समूह खरीद लेगा और इनके लिए एक सम्मानजनक रकम भी अदा करेगा। मीटिंग का दोस्तों आउटकम यही निकला कि टाटा समूह ने इन दोनों नामी कंपनियों को अपने स्वामित्व में ले लिया और इसके लिए फोर्ड मोटर्स को 9,300 करोड़ की भारी रकम दी गई। अब फिर से समय वही था। फोर्ड मोटर्स के प्रमुख बिल फोर्ड ने अपना फिर से वही बयान दोहराया, हालांकि इस बार बयान कुछ सकारात्मक था। बयान में था कि आप, मतलब श्री रतन टाटा, हमसे यह हमारी कंपनियां जो दिवालिया होने की कगार पर थीं खरीद कर आप हम पर एक बड़ा एहसान कर रहे हैं। तो दोस्तों ये वो कहानी थी जिसमें श्री रतन टाटा, जो कि बिजनेस आइकन है हमारे देश के और उनकी जीवनी हम जैसे अनेकों युवाओं को प्रेरित करती है, उन्होंने कैसे अपने अपमान का बदला अपनी सफलता से लिया। दोस्तों इस सीरीज की ये मेरी पहली वीडियो थी। अब आप लोगों से निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसका बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं अगली वीडियो जब भी अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और उस वीडियो का आप लाभ उठा सकें। आपसे निवेदन है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि यह वीडियो अन्य लोगों तक पहुँचे और हम श्री रतन टाटा जी के जन्मदिन के अवसर पर कुछ सीख सकें। जो भी कमियाँ इस वीडियो में आपको लगती हैं तो कमेंट करके मुझे बताएं ताकि मैं अगली वीडियो में उसको सुधारने की कोशिश करूँगा।